नमस्कार दोस्तों, टैक्स ऑन ऑनलाइन गेमिंग इस वीडियो के थ्रू मैं आपके साथ चर्चा करने जा रहा हूं कि भारत सरकार ने बजट 2023 में ये प्रस्तावित किया है कि ऑनलाइन गेमिंग पर हम एक सेपरेट सेक्शन इंट्रोड्यूस करेंगे और ऑनलाइन गेमिंग पर किस प्रकार से टैक्स लगेगा उसकी व्यवस्था हम उस सेक्शन के थ्रू बदलाएंगे। तो एक व्यूअर के रूप में आपके लिए इस वीडियो के थ्रू ये सब जानने को मिलेगा कि ऑनलाइन गेमिंग क्या है, इस ऑनलाइन गेमिंग के इनकम यदि किसी व्यक्ति को होती है तो उसको क्या टैक्स लायबिलिटी एप्लीकेबल होगी, वो टैक्स कैसे आपको देना है, और अगर कोई टीडीएस एप्लीकेबल होगा उस ऑनलाइन गेमिंग की इनकम पर तो दोस्तों वो टीडीएस के भी प्रावधान मैं इस वीडियो के थ्रू डिस्कस करूंगा। एंड फाइनली बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जो ऑनलाइन गेमिंग की इनकम पर टैक्स लगने से संबंधित हैं वो एक इंपॉर्टेंट स्लाइड के थ्रू आपके समक्ष उनका उत्तर भी जानने की कोशिश करेंगे। दोस्तों सबसे पहले बात करता हूं व्हाट इज एन ऑनलाइन गेम, ऑनलाइन गेम होता क्या है, जरा इस पे तो चर्चा कर लें। हालांकि आप सब ऑनलाइन गेम को अपने तरीके से अपने प्रारूप में बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं, लेकिन एक सेक्शन जिसकी मैंने अभी चर्चा करी कि इस बजट में, बजट 2023 में एक स्पेसिफिक सेक्शन 115BJ भारत सरकार ने इंट्रोड्यूस करने की व्यवस्था की है। इसमें ऑनलाइन गेम को डिफाइन किया, ऑनलाइन गेम मीन्स अ गेम दैट इज ऑफर्ड ऑन द इंटरनेट एंड इज एक्सेसिबल बाय अ यूजर थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स इंक्लूडिंग एनी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस। यानी टेलीकम्युनिकेशन डिवाइस पर या कंप्यूटर रिसोर्स पर आपको इंटरनेट के थ्रू कोई गेम यदि एक्सेसिबल है तो वो बाय डिफॉल्ट आपके लिए ऑनलाइन गेम कहलाएगा। अब जैसा कि मैंने आपको कहा दोस्तों कि टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम के लिए भारत सरकार ने इस बजट से स्पेसिफिक टैक्सेशन की बात करी है, एक नया सेक्शन इंट्रोड्यूस कर रही है भारत सरकार। प्रस्तावित है कि इनकम टैक्स एक्ट 1961 में सेक्शन 115BJ इंसर्ट होगा, जिसमें यह कहा जाएगा या कहा जा रहा है कि नॉट विथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट के बाकी के प्रावधान को साइड रखिए, where the total income of an assessee includes any income by way of winning from any online game, the income tax payable shall be aggregate of। तो मान लीजिए एक व्यक्ति है, उनका नाम है मिस्टर आकाश गुप्ता, वो ऑनलाइन गेमिंग करते हैं और ऑनलाइन गेमिंग में उनको 10 लाख रुपए की आय हुई। अब ये सेक्शन बताएगा कि मिस्टर आकाश को इस 10 लाख रुपए की आय पर कैसे टैक्स लगेगा। तो लॉ ने बोला द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन नेट विनिंग। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों कि फॉर्चुनेटली गवर्नमेंट ने यहां नेट विनिंग पर टैक्स लगाने की बात करी है। द अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन नेट विनिंग फ्रॉम सच ऑनलाइन गेम ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर कंप्यूटेड इन द मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब एट द रेट 30%। यानी आकाश जी को जो 10 लाख रुपए की इनकम हुई इस पर 30% रेट से उनको टैक्स लगेगा। यहां 10 लाख रुपए को मैं नेट अर्निंग मानता हूं। अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि मान लीजिए अनूप जी, आकाश जी ने वेरियस ट्रांजेक्शन में 15 लाख रुपए तो कमाए और 5 लाख रुपए गवाए, तो इसका मतलब उनकी नेट विनिंग 10 लाख हुई। बिल्कुल सर। अब ये भी हो सकता है कि आप अलग अलग ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट करते हो, कहीं पर किसी एक्स ऑनलाइन गेम में, कहीं पर वाई ऑनलाइन गेम में, तो इन सब का भी नेटिंग होना चाहिए। तो मेरा ये मानना है कि जब सरकार नेट विनिंग की बात करती है तो एक व्यक्ति ने साल भर में जितने ऑनलाइन गेम में पार्टिसिपेट किया होगा उन सब से जो नेट विनिंग होगी उस पर दोस्तों 30% रेट से टैक्स लगेगा। और बाकी की इनकम का क्या होगा? The amount of income tax with which the assessee would have been chargeable had his total income been reduced by the net winning referred to in clause 1। और बाकी की इनकम पर जो आपका नॉर्मल स्लैब रेट लगता है उस स्लैब रेट से आपका टैक्सेशन हो जाएगा। तो ये टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम के संदर्भ में एक प्रस्तावित सेक्शन 115BJ जो आ रहा है, जो लागू होगा वित्त वर्ष 2023-24 से, वो मैंने आपके सामने इस सेक्शन की रीडिंग के रूप में रखा। अब एक बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आएगा कि अनूप जी, अगर आप ये कहते हैं कि ऑनलाइन विनिंग पर 1 अप्रैल 2023 से ये सेक्शन 115BJ एप्लीकेबल होगा तो इसका मतलब 31 मार्च 23 तक की ऑनलाइन गेम की इनकम तो टैक्स होनी ही नहीं चाहिए। ऐसा नहीं है दोस्तों। मैं आपके सामने एक सेक्शन रख रहा हूं, सेक्शन 115BJ, जो ऑलरेडी इनकम टैक्स एक्ट में है। वो ये कहता है टैक्स ऑन विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेसेस, कार्ड गेम एंड एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट और गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसएवर। जैसे फॉर एन एग्जाम्पल, किसी व्यक्ति ने कौन बनेगा करोड़पति में पार्टिसिपेट किया, किसी व्यक्ति ने लॉटरी में पार्टिसिपेट किया, किसी ने हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट किया और उनको वहां पर कोई विनिंग हुई। तो ये सेक्शन 115BJ पहले से कह रहा था
कि वेयर द टोटल इनकम ऑफ एन एसएससी इंक्लूड्स एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल और रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस और कार्ड गेम, एनी अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट और गैम्बलिंग और बेटिंग ऑफ एनी फॉर्म और नेचर व्हाटसोएवर, इनकम टैक्स पेएबल शैल बी द एग्रीगेट ऑफ अमाउंट ऑफ इनकम टैक्स कैलकुलेटेड ऑन इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम सच लॉटरी, विनिंग फ्रॉम सच लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, रेस इंक्लूडिंग हॉर्स रेस और कार्ड गेम और अदर गेम ऑफ एनी सॉर्ट और फ्रॉम गैम्बलिंग बेटिंग व्हाट्सोएवर एट द रेट 30%। यानी किसी व्यक्ति को मान लीजिए गैम्बलिंग से इनकम हुई या लक बेस्ड किसी बिजनेस किसी पर्टिकुलर गेम से इनकम हुई तो उसको 30% टैक्स पहले भी लग रहा था, अब भी लगेगा। अब ऑनलाइन गेमिंग के लिए सेपरेट सेक्शन भारत सरकार ने प्रस्तावित कर दिया डबल बीजे, यानी ऑनलाइन गेमिंग की इनकम अब डबल बी 115 डबल बी में न टैक्स होगी। दोस्तों कौन से सेक्शन में टैक्सेबल होगी? इट विल बी टैक्सेबल एज पर सेक्शन 115 डबल बी जे। आगे देखिएगा, पहले भी यही प्रावधान था कि एसएससी की बाकी की इनकम जो टैक्सेबल होगी वो उस इनकम में से, टोटल इनकम में से आप लॉटरी की इनकम हटाएं, बाकी की इनकम नॉर्मल रेट पे टैक्सेबल होगी। तो हम लोग एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट इसे कैसे बोलते हैं कि किसी भी व्यक्ति की टोटल इनकम दो रेट से टैक्स लगता है, टैक्स एट स्पेशल रेट, टैक्स एट नॉर्मल रेट। यानी यदि आप इंडिविजुअल हैं तो टैक्स एट नॉर्मल रेट का मतलब है एज एन इंडिविजुअल आप पर लगने वाली स्लैब है, और टैक्स एट स्पेशल रेट का मतलब क्या है दोस्तों? जैसे फॉर एन एग्जाम्पल किसी के पास 115 डबल बी यानी लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, कार्ड गेम एक्सेट्रा की इनकम हो, या 115 डबल बी जे फॉर एन एग्जाम्पल ऑनलाइन गेमिंग की इनकम हो, तो उस इनकम पर स्टेट अवे 30% टैक्स लगना है, वो स्पेशल रेट की इनकम कहलाएगी। तो ये दोनों सेक्शन स्पेशल रेट की इनकम पर ही बात करते हैं, लेकिन 115 डबल बी जे ऑनलाइन गेमिंग के लिए 1/4/2023 से स्पेसिफिक सेक्शन होगा, और 115 डबल बी 31 मार्च 2023 तक कमाए गए ऑनलाइन गेमिंग की इनकम पर टैक्स लगाने की व्यवस्था ऑलरेडी रखता है। मैंने शुरू में आपको कहा था दोस्तों कि आपसे टीडीएस संबंधी चर्चा भी करूंगा कि गवर्नमेंट ने यह भी प्रस्तावित किया है फाइनेंस बिल में कि एक सेक्शन 194 बी हम स्पेसिफिक इंसर्ट करेंगे जो विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम में टीडीएस की बात करेगा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जब भारत सरकार ये व्यवस्था करने जा रही है कि आपने किसी प्लेटफॉर्म पर कोई भी पर्टिकुलर गेम खेला और आपको वहां पर विनिंग हुई से 20,000, 40,000, 50,000 व्हाटएवर, तो वो जो ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है जिसने आपको उस गेम में पार्टिसिपेट कराया, जब वो आपको विनिंग देगा तो उन्हें टीडीएस काटना पड़ेगा अंडर सेक्शन 194 बी। अब टीडीएस की क्या व्यवस्था करी है सरकार ने? नॉट डिस्टेंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, एनी पर्सन रिस्पॉन्सिबल फॉर पेइंग टू एनी पर्सन एनी इनकम बाय वे ऑफ विनिंग फ्रॉम एनी ऑनलाइन गेम ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शैल डिडक्ट इनकम टैक्स ऑन नेट विनिंग, यहां पर भी नेट विनिंग की बात है, टू हिज यूजर अकाउंट। तो मान लीजिए अभी हमने एक आकाश गुप्ता जी की बात करी कि आकाश गुप्ता जी ने 10 लाख रुपए कमाए, तो जो भी उनका ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म है वो देखेगा कि ओके आकाश जी ने साल में 10 लाख रुपए कमाए, तो वो टीडीएस काटेगा एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। एक और बात दोस्तों यहां जोड़ना चाहूंगा कि जो नेट कंप्यूटेशन सरकार बात कर रही है उसके लिए गवर्नमेंट ने बोला है कि इन सच मैनर एज मे बी प्रिस्क्राइब, तो हो सकता है भारत सरकार आने वाले समय में कोई रूल लाए जिसके थ्रू ये बताए कि आपके ऑनलाइन गेमिंग की इनकम को कैसे कैलकुलेशन के रूप में हम एक्सेप्ट करेंगे। यानी अभी के लिए तो मैं इंटरप्रिटेशन निकाल सकता हूं कि एक व्यक्ति ने गेम्स में पार्टिसिपेट किया, 15 लाख रुपए कमाए, 5 लाख कमाए, नेट 10 लाख कमाए, लेकिन भारत सरकार प्रिस्क्राइब करेगी कि हम नेट विनिंग की कैलकुलेशन कैसे मानते हैं और उसके बेसिस पर आपका टैक्स लगेगा और उसके बेसिस पर आपका टीडीएस कटेगा। एक और क्वेश्चन, यदि आपने ऑनलाइन गेम के लिए जिस प्लेटफॉर्म पे पार्टिसिपेट किया आप ये सोच के बैठे थे कि एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर में मेरा टीडीएस कटेगा, टीडीएस की रेट बाय डिफॉल्ट 30% हो जाएगी, तो क्या बीच में जब आप पैसा निकालेंगे तब भी टीडीएस लगेगा? तो इस सेक्शन 194 बीए में चर्चा की गई, प्रोवाइडेड दैट इन अ केस वेयर देयर इज अ विड्रॉल फ्रॉम यूजर अकाउंट ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर द इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट द टाइम ऑफ सच विड्रॉल ऑन द नेट विनिंग कंप्राइज इन सच विड्रॉल as well as on the remaining amount of net winning in the user account computed in the manner as may be prescribed at the end of the financial year. यानी अगर आप withdrawal during the financial year करेंगे तो आपको withdrawal के समय भी TDS applicable होगा, और अगर आपने withdraw नहीं किया तो साल के अंत में आपकी net winning पर TDS होगा, और अगर आपने दोनों किया है तो withdrawal के समय भी TDS लगेगा और net winning जो आपकी बची रहेंगी जो आपने withdraw नहीं की होगी at the end of the financial year उस समय भी TDS आपको applicable होगा।
दोस्तों कुछ क्वेश्चन लेने वाला हूं जो बड़े इंपॉर्टेंट है। मैं नहीं कहूंगा कि उनका जो आंसर मैं दूंगा वो फाइनल है, लेकिन मैं अपनी एक प्रोफेशनल अंडरस्टैंडिंग से उनका उत्तर देने की कोशिश करता हूं कि कुछ क्वेश्चन आएंगे इस सेक्शन 115 डबल बी जे से, जो क्लैरिटी जिस पर अभी इस बजट में नहीं है, हो सकता है भारत सरकार आने वाले टाइम में दे। वेदर सच इनकम विल बी सब्जेक्ट मैटर ऑफ बेसिक एग्जम्पशन में। मान लीजिए हमने ये माना कि 10 लाख रुपए एक असेसी ने कमाए, तो वो ये कहेंगे कि भाटिया जी ठीक है, 10 लाख में से 2.5 लाख की बेसिक एग्जम्पशन ले लीजिए अगर मेरी कोई और इनकम नहीं है, और बाकी 7.5 लाख पर मेरे को 30% लगाइए, तो क्या बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलेगी क्या? मुझे लगता है सर, सरकार यदि बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मना नहीं कर रही तो बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मिलनी चाहिए। एक तो व्यवस्था ये। दूसरा, कुछ लोग ये कहेंगे कि नहीं सर, क्योंकि गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली बेसिक एग्जम्पशन लिमिट देने की बात नहीं करी, इसलिए बेसिक एग्जम्पशन लिमिट नहीं मिलनी चाहिए। तो ये एक ड्यूअलिटी ऑफ इंटरप्रिटेशन रह सकती है, इस पर गवर्नमेंट को क्लेरिफिकेशन देना चाहिए। अगला क्वेश्चन, वेदर रिबेट अंडर सेक्शन 87A में भी क्लेम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि क्या इस इनकम में आपको 87A की रिबेट जो कि 12.5 हजार की मिलती है, और कोई कहता है सर मैं तो नए स्लैब रेट में जाना चाहता हूं, वहां मुझे 25 हजार की रिबेट मिलेगी, क्या वो मिलेगी क्या? मेरी ओपिनियन में मिलनी चाहिए, लेकिन फिर लॉ में कोई क्लैरिटी नहीं है, तो इस पर भी सरकार को उन्हें एक स्पेसिफिक प्रावधान या तो इंसर्ट करे। मना नहीं करेगा तो मेरे जैसा सीए कहेगा कि हाँ साहब, एसएससी के फेवरेबल इंटरप्रिटेशन ली जानी चाहिए। वेदर डिडक्शन अंडर चैप्टर 6A में भी क्लेम अगेंस्ट सच इनकम। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि अगर किसी के पास में 10 लाख रुपए की इनकम है, वो कहता है जी मैंने 1.5 लाख रुपए इसमें से 80C में लगा दिया, मेरा कहना है 115BJ में स्पेसिफिकली चैप्टर 6A के डिडक्शन देने से मना ही नहीं किया, तो क्यों ना इस इनकम में से भी चैप्टर 6A के डिडक्शन मिले। वेदर लॉसेस ऑफ अदर हेड्स मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट सच इनकम। बिल्कुल सर, मेरा मानना है कि अगर आपके पास फॉर एन एग्जाम्पल बिजनेस में लॉस है, हाउस प्रॉपर्टी में लॉस है, और आप उस लॉस को इस इनकम से एडजस्ट करना चाहते हैं, तो क्यों ना एडजस्ट करें, यह भी अलाउ होना चाहिए। वेदर लॉसेस फ्रॉम ऑनलाइन गेमिंग मे बी एडजस्टेड अगेंस्ट अदर इनकम। अब यहां एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आया कि क्या ऑनलाइन गेमिंग में अगर किसी को लॉस हो गया तो वो दूसरी इनकम से एडजस्ट होगा? जब तक सेक्शन 70-71 में नहीं रोकेंगे, मेरे जैसा सीए फिर कहेगा कि हाँ सर एडजस्टमेंट होना चाहिए। व्हाट आई मीन टू से दोस्तों, कि ये क्वेश्चन इस सेक्शन के आने के साथ साथ अपना जन्म ले लेते हैं। अगर सरकार इन पर क्लैरिटी देगी तो बहुत अच्छी बात है, नहीं देगी तो हम वो इंटरप्रिटेशन लेंगे जो एसएससी के फेवर में हो। मैं दोस्तों, मैं अपनी ओर से, आप मानिए तो हो सकता है मेरा निवेदन भी हो कि मैं तो ऑनलाइन गेमिंग से परहेज ही रखता हूं, और मैंने ये भी देखा कि बहुत सारे लोग ऑनलाइन गेमिंग में लॉस भी खा करके बैठे हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है, और पर्टिकुलरली तब जब मैंने देखा कि किसी ने लोन लेकर के ऑनलाइन गेमिंग में नुकसान खा लिया। तो मैं रोकने वाला तो कोई नहीं होता आपको कि ऑनलाइन गेमिंग आप ना करें, एज अ कंसल्टेंट, एज अ सीए, मैं आपके सामने अपनी बात रखना चाहता था कि हाँ साहब, ऑनलाइन गेमिंग पर यदि आपकी इनकम हो, जिसके लिए मेरी आपको शुभकामनाएं हैं, तो आपको टैक्स इस प्रकार लगेगा। लेकिन आप ऑनलाइन गेमिंग यदि कुछ करते भी हैं, तो मेरा ये कहना है कि अपनी एक सीमा तय करिए, क्योंकि सर मेरी एक कैपिटल बेस है से 10 लाख 20 लाख 50 लाख, मैं उसमें से एक 1 लाख 2 लाख का अमाउंट ही मैक्सिमम लॉस के पेटे लेके चल सकता हूं, और उस लिमिट के बाद में मुझे खुद को ना बोलनी चाहिए। ये पक्ष मेरे टैक्सेशन एस्पेक्ट से पूर्णतया डिफरेंट है, लेकिन क्योंकि मेरा भी ये सामाजिक सरोकार बनता है कि मैं अपने पेशेवर अनुभव के आधार पर लोगों को जागरूक करता रहूं, इसलिए अंत में दोस्तों ये बात मैंने जोड़ी। आई होप इस वीडियो के कंटेंट आपको निश्चित रूप से लाभदायक रहेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद मी। विशिंग यू ऑल द बेस्ट। जय हिंद।